नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा किसनी में संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के बाद चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल की बाउंड्री वॉल बनवाने के निर्देश दिए गए। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक्की ये रिपोर्ट। कस्बा किसनी में संयुक्त निदेशक डॉक्टर रंजना शर्मा ने अस्पताल के प्रसव केंद्र, इमरजेंसी कक्ष, दवाई वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने एम्बुलेंस में जाने वाले मरीजों का रिकॉर्ड चेक किया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता से अस्पताल द्वारा चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि सांप के काटने पर ज़्यादातर लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, ऐसा न होकर झाड़ फूंक के इलाज करने वाली जगहों पर मरीजों को ब्रीफ करके लोगों को अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करें। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने जानकारी दी कि अस्पताल में महिला चिकित्सक की कमी है। एक ही महिला चिकित्सक होने के कारण वह दिन किसनी व तीन दिन कसमरा में मरीज को देखती हैं। उन्होंने ठंड को देखते हुए प्रसव केंद्र व NSUI में हीटर लगवाने की, तीमारदारों से बैठने के लिए टीन सेट डलवाने के निर्देश, अस्पताल सर्वाधिक प्रसव होने पर उन्होंने स्टाफ की तारीफ की, जननी सुरक्षा योजना की धनराशि हर हाल में खाते में पहुंचाने की बात कही। उन्होंने अस्पताल की चार दीवारी जल्द बनवाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी।